वेल, सुबह की चाय कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए। जी हाँ, और वो भी पापा के हाथ की हो तो अलग ही स्वाद मिलता है। खैर, पिताश्री के साथ सुबह सुबह चाय पी के हम निकल पड़े कुछ काम करने। आज हम काचरे का कुछ कंटेंट शूट कर रहे थे, वही कोई माँ बाप को करके कुछ है, अब व्लॉग्स है कि फूड्स है वो आप पहचानिए। खैर, इसकी छीलने की जो काचरी होती है उसको छीलने की कला बड़ी यूनिक होती है, हमारे पिताश्री को आती है और ये कला अब वास्तव में दुर्लभ होती जा रही है। खैर, दिन विभोर हो चुका था, सूरज सर पे आ चुका था, तो हमने सोचा कुछ और काम किया जाए। ये अलसी का तेल है। अब अलसी मुझे नहीं पता है क्या होता है, आपको पता है तो बताइएगा। ये काट के किया जाता है। खैर, हमारे पिताश्री वो काम कर रहे थे तो इतने में मुझे याद आया कि क्यों ना ऊपर कुछ काम किया जाए। इतने में हमारे कपिल भैया और हमारे बाबा श्री, जी हाँ ताऊजी जिन्हें बोलते हैं, वो आ गए थे। उन्हीं से हेलो आए करते करते दुनिया थोड़ी और बिजी होने लगी थी कि पिताश्री वापस कहीं से दोबारा प्रकट हुए। खैर, घर पे पुट्टी का काम चल रहा है आपको पता ही है, तो कुछ काचरियाँ जिनको आपको मैंने कला दिखाई थी उनका एंड ऑफ द डे मकसद यही होता है, उन्हें काटना होता है, धूप में सुखाना होता है, जिससे हम सुखेड़ी तैयार कर सकें। खैर, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सुखेड़ी अलग ही चीज़ होती है, और कभी बता पाया या दिखा पाया या इस ट्रेन की आवाज़ में आपको सुना पाया तो काफ़ी कुछ अच्छा ही होता है, न्यूट्रिशियस होता है। खैर, पुट्टी चल रही है, कहीं और जा रहे थे तो गांव में आजकल मॉडर्नाइजेशन का लहर है, तो उसी लहर के चलते एक आइसक्रीम वाली आ रखी थी। पहले हमारे वाले टाइम में नहीं आती थी, तब तो खेल के पानी से आइसक्रीम बनती थी, ऐसा मम्मी बोलती थी। खैर, अपनी मेहनत को निहारते हुए माताश्री और पिताश्री, बाकी आपका दिन कैसा रहा बताइए। भाई न किया करो भाई चारा चुप है।